इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास, नून लीग ने वजाहत, या गलती तस्लीम किए जाने तक पीपल्स पार्टी और एएनपी को पीडीएम से निकालने की तजवीज़ दे दी। सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को जारी शो कॉज पर ब्रीफिंग में बताया, दोनों जमातों ने जवाब देने की बजाय पीडीएम की तस्दीक की। फजलुर रहमान ने दोनों पार्टियों को अपने फैसलों पर नजरसानी का कहा, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, नून लीग का दोनों जमातों के बारे में मौकिफ वाज़ेह है। शहबाज शरीफ अपोजिशन को इकट्ठा करने के बजाय पहले नून लीग को इकट्ठा करने पर ध्यान दें, विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का मशवरा, कहा कश्ती भंवर में है, अगर इससे निकल ले तो फजलुर रहमान का कंधा तो हर इंतशार के लिए हाजिर ही है, अपोजिशन संजीदा हो तो इलेक्शन असलाहत पर बात के लिए पीडीएम जैसे चूचू के मुरबे की बजाय पार्लिमानी लीडर्स बात करें। मुशीर दाखला शहजाद अकबर की दरख्वास्त पर लाहौर में एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहजाद अकबर की दरख्वास्त में कहा गया है कि नज़ीर चौहान ने उन पर बेबुनियाद इल्जामात आयद किए, इल्जामात से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, नज़ीर चौहान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त एक्शन लिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत व नशरियात फवाद चौधरी का शहजाद अकबर से इजहार यकजहती, बोले ज़ाती दुश्मनी के लिए मजहब कार्ड इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं, लाहौर पुलिस एमपीए नज़ीर चौहान के खिलाफ सख्त एक्शन ले। तरीन ग्रुप के रुकन पंजाब असेंबली नज़ीर चौहान का कहना है कि पंजाब पुलिस ने शहजाद अकबर के कहने पर झूठी एफआईआर दर्ज की, इस इकदाम के खिलाफ जंग लड़ेंगे, बारहा शहजाद अकबर से मुतालिक सबूतों पर खामोश रहे, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करते हैं, जमानत कबलस गिरफ्तारी नहीं कराएंगे, खान साहब के दाएँ बाएँ बैठने वाले सियासी लोग नहीं। सोशल मीडिया पर असद उमर और उनके भाई मोहम्मद जुबैर एक बार फिर आमने सामने। असद उमर ने कहा, जो पूछ रहे हैं अचानक मईशत की रफ्तार कैसे तेज हो गई, उनके लिए अर्ज है कि 3 अप्रैल 2019 को ही बता दिया था कि 2 साल लगेंगे, पहले दिन से इमरान खान हुकूमत की वाज़ह हिकमत अमली है। नून लीग के मोहम्मद जुबैर बोले, एक मिनट के लिए असद उमर की बात मान भी लें तो मसला उनके कप्तान का है जिसने असद उमर को फौरी तब्दील कर दिया। शिकारपुर के इलाके गढ़ी तेगों में डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन रोक दिया गया। एसएसपी का कहना है कि ऑपरेशन 3 बख्तरबंद गाड़ियों और जदीद असलहा मिलने तक रोका गया, नई हिकमत अमली तय की जा रही है, 1 से 2 दिन बाद दोबारा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कराची में गिरफ्तार एमक्यूएम लंदन के 3 मुलजिमान इंसदादे दहशतगर्दी की मुंतजिब अदालत में पेश, 4 जून तक जिस्मानी रिमांड पर सीटीजी पुलिस के हवाले। मुलजिमान को गुज़िश्ता रोज़ अल्लावाला टाउन और लांडी से गिरफ्तार किया गया था, पुलिस के मुताबिक मुलजिमान से बारूदी मवाद और गैरकानूनी असलहा बरामद किया गया था, मुलजिमान कराची और हैदराबाद में दहशतगर्दी की कई वारदातों में मुलविस हैं। वफाकी वजीर बराए गज़ाई तहफ़ सैयद फ़खर इमाम का कहना है कि इस साल गंदम, चावल, मकई, आलू और प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई, इस बार भी गंदम दरामद करेंगे ताकि कुछ ज़खायर रखे जा सकें, बदकिस्मती से कपास की फसल ख़राब हुई, कपास की पैदावार बेहतर करने के लिए सूबाई हुकूमतों को फंड्स दिए हैं, लाइफ स्टॉक बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। डैमों में पानी का जखीरा बढ़ने लगा, इरसा के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में डैमों में पानी का जखीरा 2000 एकड़ फुट बढ़ गया, इस वक्त आबी जखायर में पानी का मजमूई जखीरा 6,74,000 एकड़ फुट है, पानी की आमद 1,72,000 और अखराज 1,68,000 क्यूसिक है, दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बरकरार। इंचार्ज कंट्रोल रूम सखर बैराज के मुताबिक गुड्डू बैराज पर 28%, सखर बैराज पर 32%, कोटरी बैराज पर 50% पानी की कमी रिकॉर्ड की गई। शेखुपुरा में ताजरों की धड़ेबंदी और मकामी रंजिशों की वजह से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दुकानों की नीलामी मजाक बन गई, 22,000 रुपये किराए वाली दुकान के लिए नीलामी में 1,25,00,000,000 रुपये माहाना किराए की पेशकश कर दी गई। करदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सियासी शूरा के मरकजी रहनुमा मुफ्ती खालिद की लाश अफगान सूबा कुन्नड़ में मिल गई, पुलिस जराए का कहना है मुफ्ती खालिद को नामालूम अफराद ने सफर के दौरान हलाक किया,
बुनेर से ताल्लुक रखने वाला मुफ्ती खालिद मुल्ला फजलुल्ला का करीबी साथी था। और 5 जून से अबूधाबी में पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस होंगे या नहीं, सूरत हाल वाजह ना हो सकी। नामुकम्मल स्क्वाड्स अबूधाबी में क्वारंटीना में मौजूद। पाकिस्तान में मौजूद 25 अफराद वीजे के मुंतजर। अभी तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की आमद की भी कोई इतला नहीं। ईसीबी को आज तमाम मामलात क्लियर होने की उम्मीद।